बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड कांग्रेस पार्टी में कलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के चारों मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए और कहा कि नए विधायकों को जरूर मौका मिलना चाहिए। जो केपेबल लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और बैठ के तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो वहाँ पर आए हैं। देखिए, हम लोग जुझारू लोग हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, दिन रात हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है, तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है। देखिए, कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है। पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करें जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं, साल साल भर तक एनओसी के लिए सारे चीज़ पेंडिंग रह रहा है, तो ऐसे में हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है काम। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। दिल्ली में दोनों नेताओं को मुलाकात यहां पर उनके बीच में हो सकती है, ये माना जा रहा है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। 12 नाराज विधायक जो आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि विधायकों की नाराजगी के बीच ये सबसे बड़ी खबर है। अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं और दिल्ली में ही, जहां पर बाकी एमएलए भी पहुंच रहे हैं आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे, दिल्ली में ही अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर सामने है। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से इनकार कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विधायक अपने नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी अब बगावती सुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने साफ कर दिया है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कमजोर साबित हुए और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए। जेएमएम विधायक ने यह भी कहा कि वो जल्द विधायकी छोड़ देंगे और कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था बैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हर प्रभु इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरु जी से मिलते हुए जाएंगे, उसी बीच अचानक से रास्ते में फोन आया सुप्रिया दा का कि आप सीएम हो, सही है, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने खुद ने सीधा पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलवाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था, कहीं वो पेज तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल 3 लोगों ने शपथ लिया तो मैं ही 13वां क्यों हो गया? 12वें रूप में मुझे क्यों आखिर रखा गया? तब अगला कदम क्या होगा आपका? हमने मुख्यमंत्री को साफ साफ बता दिया, अपनी भावना से अवगत करा दिया है कि ये जो निर्णय है ये मेरी भावना को आहत कर रहा है और ऐसी स्थिति में, इस अपमान की स्थिति में मेरे से काम नहीं हो पाएगा और हम कोई ना कोई बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। तो बड़ा निर्णय क्या होगा? क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? पार्टी छोड़ने तक तो अभी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन विधायकी छोड़ने तक आ चुका हूं। अच्छा, ये बताइए कि एक बात है कि जो SC सीट है कि किसी दलित को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ये गलत है।
आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 12% लगभग आबादी है, और उस लाइन पर अगर जाएं हम लोग सामाजिक समीकरण में जाएं तो इसी को जरूर रहना चाहिए कैबिनेट में। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वर्तमान में चंपई सोरेन हैं, कैसे देखते हैं? अंतर है, काफ़ी अंतर है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। चूँकि जो सलीका मुख्यमंत्री हेमंत जी का था हराने का, वो अपने सदस्यों को विश्वास में लेकर कोई काम करते थे, यहाँ वो स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। तो बैद्यनाथ राम साहब बता रहे हैं कि जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो फैसला क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। संजय कुमार।